8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद कतर अचानक चर्चा में आ गया है। भारत से उसके रिश्तों को भी नई कसौटी पर कसा जाना है। भारत कतर के राजनयिक रिश्ते साल 1973 में शुरू हुए, मतलब 50 साल हो गए। ये एक बड़ा समय होता है। ऐसे में अपने 8 नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना भारत के लिए चुनौती है। लेकिन कतर और भारत के बीच कड़वाहट का ये पहला मामला नहीं है। चलिए एक एक करके उन मामलों पर नजर डालते हैं जिनके कारण दोनों देशों के बीच दरार पड़ी है। सबसे पहले बात ताजा मामले की। भारत के पूर्व 8 नेवी अफसरों को कतर में मौत का फरमान। इंडिया नेवी के 8 पूर्व नौ सैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। दबी जुबान में जासूसी जैसे आरोपों की बात सामने आ रही है, लेकिन दोनों ही देश आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कतर ये नहीं बता रहा है कि आखिर उसने इन 8 पूर्व नेवी अफसरों को बीते साल क्यों गिरफ्तार किया था और अब उन्हें किस जुर्म की सजा में मौत दी जाएगी। हालांकि सामने आ रहा है कि ये सभी अफसर किसी सबमरीन प्रोजेक्ट में जुड़े थे और इसका सीक्रेट इजराइल से शेयर कर रहे थे। जाकिर नाइक मामला। दूसरा मामला जाकिर नाइक से जुड़ा है। 2022 में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड का फीवर दुनिया भर में सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन यहाँ जाकिर नाइक की एंट्री पर बवाल हो गया। जाकिर नाइक के आने पर भारत ने कतर के सामने नाराजगी जाहिर की थी। भारत की आपत्ति के बाद कतर ने साफ किया है कि जाकिर नाइक को वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए आधिकारिक रूप से इनवाइट नहीं किया गया था। नुपुर शर्मा मामला। अगला मामला बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा से जुड़ा है। एक टीवी न्यूज चैनल पर बहस के दौरान नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कतर ने भारतीय राजदूत को तलब कर लिया था। इसके साथ ही नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए निलंबन की कार्रवाई का स्वागत किया था। एमएफ हुसैन को नागरिकता का मामला। मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन भी कतर और भारत के रिश्तों में कड़वाहट की वजह बने थे। असल में साल 2006 में अपनी विवादित रचनाओं पर घिरने के बाद एमएफ हुसैन खुद भारत से निर्वासित हो गए थे और लंदन में रहने लगे थे। कुछ समय उन्होंने दुबई में बिताया। साल 2010 में मकबूल फिदा हुसैन को कतर के शाही परिवार ने अपने देश की नागरिकता देकर सम्मानित किया था। इस नागरिकता के बाद कतर भारत में सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन एक हल्की कड़वाहट तो आ गई थी। बता दें कि कतर और भारत के बीच अहम व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। भारत अपने कुल एलएनजी आयात का 40% कतर से मांगता है, जबकि कतर के कुल एलएनजी निर्यात में भारत की खरीदारी 50% है। कतर का गैस भारत के लिए स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की गारंटी है। खरीदार के रूप में कतर के लिए भारत बेहद अहम है। ऐसे में आशा की जा रही है कि जैसे हर बार दोनों देश हर विवाद को सुलझा लेते हैं, इस बार भी भारतीयों को सजाए मौत के लेकर उठे विवाद को सुलझा लेंगे।